पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क कोर्ट में सोमवार को मुकदमा चला। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 100 मिलियन डॉलर यानी 832 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया है। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद की झूठी जानकारी देकर अपनी नेटवर्थ बढ़ाई है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रंप पर यह केस किया है, जिसकी सुनवाई जस्टिस आर्थर एफ एंगोरेन कर रहे हैं। लेटिटिया ने मांग की है ट्रंप पर करीब 250 मिलियन डॉलर यानी 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप और उनके दोनों बेटों डोनाल्ड जूनियर और एरिक के न्यूयॉर्क में सभी बिजनेस पर बैन लगाने की भी अपील की है। साथ ही लेटिटिया ने कहा है ट्रंप और उनके ऑर्गेनाइजेशन में खिलाफ 5 साल का कॉमर्शियल रियल इस्टेट पर भी बैन लगना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि 2011 से 2021 के बीच उन्होंने बैंक लोन पर कम बीमा प्रीमियम लेने के लिए अपनी संपत्ति का गलत तरीके से बढ़ाया था। ट्रंप ने रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जैसे ट्रंप टावर, मार ए लागो, उनके ऑफिस और गोल्फ क्लब्स की कीमत ज़्यादा बताई और कुल संपत्ति का करीब 18.3 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा लिया था। जनवरी में न्यूयॉर्क के एक जज ने ट्रंप के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया था। मामले में सुनवाई के लिए अक्टूबर का महीना चुना गया था। अटॉर्नी जनरल जेम्स का केस बिल्कुल सिविल है, इसलिए ट्रंप पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते थे। ट्रंप ने कहा मुझ पर झूठे आरोप हैं, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस इसमें शामिल हो सकते हैं। मुकदमे पर सुनवाई शुरू होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की। ट्रंप ने कहा यह केस एक स्कैम, दिखावा और पॉलिटिकल हमला है। डेमोक्रेट्स खुद में एक भ्रष्ट और भयानक संगठन है। जस्टिस आर्थर भी डेमोक्रेट्स के लिए पक्षपात कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा आर्थर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी और फैमिली की रेपुटेशन को भ्रष्ट डेमोक्रेट्स से बचा रहा हूँ। इस मुकदमे के साथ ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन फेडरेजिंग भी शुरू हो गई है। ट्रंप पर 19 और केस हैं। ट्रंप पर पोर्न स्टार का पैसे देकर चुप कराने, कैपिटल हिंसा, व्हाइट हाउस में खुफिया दस्तावेज घर ले जाने और जॉर्जिया के चुनाव में गड़बड़ी के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप पर 19 और केस चल रहे हैं। इनमें से आधे मामले पर उन पर राष्ट्रपति रहते हुए गलत आचरण और फ्रॉड का आरोप लगाते हैं।